टाइम हो रहा है अभी 2:15 मतलब 2:15 और फाइनली इस टी शर्ट को देख के आप समझ चुके होंगे कि हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। गोवा जा रहे हैं हम गाइस, ठीक है। बानू को रास्ते में अब कपड़े खरीदे थे गोवा वाले, क्या करूं पहन तो पानी ना, तो व्लॉग में ही पहन रहा हूं मैं गोवा के कपड़े जो खरीदे थे, और गोवा में 3-piece सूट पहन के डोल रहा हूं। कपड़े और देखो व्लॉग की शुरुआत करते हैं एक दुख खबर के साथ पहले, फिर आगे की बात बताएंगे। दुख खबर ये है कि पापा का जो प्लास्टर है वो 1 महीने तक बंदा रहेगा। अंकल का जो प्लास्टर बंदा है वो बंदा है 1 महीने के लिए, तो आज 23 फेब है, तो 23 फेब से 23 मार्च तक का प्लास्टर बन गया। तो बस अब उनके दर्द थोड़ा कम है क्योंकि वो वाला जो नया वाला प्लास्टर उसमें एकदम फिक्स है पैर, तो बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा उनके नए वाले प्लास्टर में। तो अपन बीच में जाके आ सकते हैं 10 दिन के लिए? नहीं यार नहीं जा सकते, क्या ही कर सकते हैं, अब देखते हैं 1 महीने बाद। मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आ रहा कि भाई मैं करूँ क्या, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या करूँ। इस समय इतनी गंदी किस्मत चल रही है, इतनी गंदी लाइफ चल रही है ना इस समय, सही में बता रहा हूँ कि तुम लोगों को कुछ बता नहीं पा रहे हम लोग क्या हो रहा है इस समय लाइफ में। बस जैसे तैसे व्लॉग, सबसे खराब समय सच में ये बात, तो बहुत खराब समय चल रहा है इस समय। सिर्फ व्लॉग बना ले रहे वही बहुत बड़ी बात है, वरना तो लिटरली ऐसा मन होता है कैमरा भी उठाने का मन नहीं कर रहा है इस समय, क्योंकि हालत बहुत ज्यादा टाइट हमारी। आज वाले व्लॉग के लिए कल रात को बनाया प्लान की कुछ बना लेते भाई, तब आज व्लॉग बना रहे बिल्कुल तबियत खराब हो गई थी इसकी, इसकी भी तबियत कल रात को खराब हो गई थी बहुत बुरी, आज वाला ये भी कैंसिल हो गया। तो बजाते थे मैं कहा चलो रे यार देखी जाएगी। मेरे हर वीडियो के ना कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन हमेशा मिल जाएगा ये वाला, कि आप ट्रैवल करते रहते हो, ट्रैवल व्लॉग शूट करते हो, व्लॉग शूट करते हो, तो इसके लिए कैमरा गियर्स या फिर ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें या फिर बाइक्स और उनसे रिलेटेड चीज़ें, एसेसरीज या छोटी मोटी जो भी चीज़ें हुई, ये सब आप खरीदते कहाँ से हो? सो गाइज फॉर दैट आई यूज़ गोपैसा एप्लीकेशन, जो कि एक ऑनलाइन कूपन एंड कैशबैक एप्लीकेशन है। गोपैसा ऐप पर आप एक्स्ट्रा कैशबैक जीत सकते हो वाइल शॉपिंग एंड बहुत सारी अर्निंग्स कर सकते हो। एंड गाइज गोपैसा ऐप पर 1500+ ब्रांड्स है, जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड एक्सेट्रा। गाइज आपका जीता हुआ कैशबैक विद इन 24 to 48 आवर्स आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। अगर आप प्रोडक्ट को रिटर्न ना करो तो आपको 100% कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा, एंड आप इस जीते हुए कैशबैक को इजीली अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। सो गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से अगर आप गोपैसा एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको इंस्टेंटली 25 रुपीज का कैशबैक मिलेगा आपके वॉलेट में। एंड गाइस अगर आप अपने फ्रेंड को इन्वाइट करते हो टू डाउनलोड गोपैसा ऐप, तो उनको जो कैशबैक मिलेगा उसमें से 10% आपको भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एक फ्रेंड ने 2500 रुपीज का कैशबैक जीता, तो उसका 10% मतलब 250 रुपीज आपको भी मिलेगा, और ये सब अमाउंट आप इजीली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो मेरे दोस्तों अब हर ऑनलाइन शॉपिंग से पहले यूज गोपैसा ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डू चेक इट आउट। एंड गाइस इतना ही नहीं, एवरी फ्राइडे धमाका सेल चलती रहती है, तो न्यू ऑफर्स आते रहते हैं, तो डू यूटिलाइज इट, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके गोपैसा ऐप को डाउनलोड करो। सो अब कमाना भी शुरू करो एंड खरीदना भी शुरू करो। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू पिंक सिटी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हवा महल घूमने जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं। हाँ उसके सामने खाना खाने, नहीं नहीं वहाँ भी नहीं जा रहे। एक्चुअली आप लोगों को पता होगा कि हम लोग फार्म हाउस जाने वाले हैं, आप लोग ये चीज़ तो 3 दिन के लिए हम फार्म हाउस जाने वाले हैं, तो फार्म हाउस सही नहीं हो रहा तो कुछ तो सही हो, तो सही हो तो कहीं जाके मूड तो थोड़ा फ्रेश करे भाई, वहाँ पे जाएंगे मजे करके आएंगे। तो उसके लिए हमने फार्म हाउस देखे हैं 2-3-4 दिन वहीं पड़े रहेंगे। 2 हम देख के आए थे वो हमको पसंद नहीं आए, लेकिन 2 और देखे हैं, उनके सिर्फ फोटोज देखी और उनसे बात हुई है बस। तो हम एक बार क्या जैसा भी उसमें गए थे हम एसके फार्म में, सिर्फ हमने फोटोज देखी हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब वहाँ पहुंचे तो फिर बहुत बुरा था, बहुत ही बुरा था। तो वही चीज़ ना हो जाए हमारे साथ भाई पैसे देने के बाद चीज़, क्योंकि 3 दिन वहाँ रहना है, मूड वैसे खराब है उसको देख के और ना खराब हो जाए, इसलिए बढ़िया आज हम थोड़ा सा टाइम खराब कर लेंगे भाई। लेकिन फार्म हाउस 2 फार्म हाउस देखे हुए हमने, दिल्ली रोड पर है दोनों, एक दिल्ली रोड पे घाघरा रोड पे ना, यानी आसपास ही हैं दोनों, 5-6 किलोमीटर की रेंज में। तो वो दोनों देख के आएंगे हम लोग, यहाँ से तो 25-30 किलोमीटर पड़ता है घर से हमारे जयपुर से, लेकिन है वहाँ पास में, तो वो दोनों देख के आएंगे, उन दोनों में से जो भी एक हमको पसंद आएगा वो हम डिसाइड कर देंगे। एक्चुअली बताइए देखो इधर भी फार्म हाउस है, ये एक सोसाइटी जैसी बना रखी है, फार्म हाउस की सोसाइटी है, फार्म हाउस है ना, बिल्डिंग फ्लैट में फार्म हाउस की सोसाइटी, पहली बार देख रहा हूँ भाई मैं। अभिषेक को टेंशन हो रही है, बोले खाने का क्या होगा, ये देख ये रहा एक और ये वाला था, ये गेट ना आगे, अच्छा ये रहा ये वाला फार्म हाउस है, ये वाला फार्म हाउस है जिसको हमने देखा है, तो इसको अभी अंदर से देख के आते हैं।
तो ये फार्म हाउस है पूरा इधर, और ये इतना ही है इसमें, उधर बैठने की जगह है, अंदर जो है तो है ही। कैसा लग रहा है? अभी बताएंगे, देखते कैसा लग रहा है, आओ देखते हैं स्विमिंग पूल कैसा है, वो डिसाइड करेगा कि ये जगह कैसी है। ओके लग रहा है मेरे को तो, ओके सिर्फ ओके, इतना ज़्यादा नहीं। पिछला वाला बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा था हमारा, बहुत अच्छा था, उसके कंपैरिजन में तो बहुत बहुत ही छोटा है। देखते हैं बाकी भाई, ये तो अबे चल इतना सा पूल है भाई, ये स्विमिंग पूल देखो तुम। एक सीढ़ी, दो, तीन, चार सीढ़ी ख़त्म। इधर ये बैठने की जगह है, इस जगह भी थोड़ा सा बैठने का एरिया है, उधर भी है, इधर भी है, इस पूरे फार्म हाउस में सिर्फ बैठने के एरिया है भाई। भाई साहब यार इतनी बैठने की एरिया है कि एक शादी का वो हो जाए खाना, जगह जगह बैठने का। इतनी बैठने की जगह है, स्विमिंग पूल थोड़ा बड़ा, कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, तीन दिन तो कुछ नहीं कर सकते बस, ये मैक्सिमम एक दिन का, मुझे आधे घंटे कुछ करके दिखा दे। तीन दिन तो बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं ऐसे तो इस चीज के लिए मैं एक बार तो घर चला जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा, ऐसा तो नहीं लगे। देखो लिटरली सही बता रहा हूँ, मेरे को तो जो लग रहा है कि एक दिन हद मार के दो दिन, उससे ज्यादा नहीं मजे कर पाएंगे यहाँ पे। इंटीरियर इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है, देखो लग्जूरियस तो है भाई, कुछ भी हो लग्जूरियस तो है, बट लग्जूरियस ही है ये। ये किचन है, दो रूम है, ये हॉल है, ये वाला रूम होगा, अच्छा वाला लगा है। हाँ ये भी रूम है देखो, ओ यार बड़ा है यार। चल अभिषेक मैं तो यार रुक जाऊंगा। आजा 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 आजा, आहा ये वॉशरूम है, वॉशरूम तो ठीक है, वॉशरूम तो क्या ही करेगा, उतने का काम अंदर से तो बहुत प्यारा है, बस एक स्विमिंग पूल है तो थोड़ा ये ये पूरा वो देख ले उसको, ये भी एक वॉशरूम है। हाँ वो बनाया हुआ हैंडमेड है। दूसरा रूम की तरह ये रहा, ये दूसरा रूम है, रूम है भाई। ये क्या भूत बंगला है तो देखो भाई, इंटीरियर तो नो डाउट बहुत प्यारा है, अंदर से तो बहुत अच्छा है यार ये इंटीरियर तो भाई कसम, चाहे रूम का हो चाहे हॉल का हो चाहे कहीं का भी इंटीरियर, नो डाउट तो भाई बहुत प्यारा है। इतना सुंदर इंटीरियर, इतना सुंदर इंटीरियर मैंने ना किसी घर में देखा है ना कहीं देखा, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा बना रखा है, बहुत ही यार। बाहर स्विमिंग पूल भी बड़ा कर लेते यार, स्विमिंग पूल भी चल ठीक है, जगह बहुत छोटी है, हाँ जगह कंजेस्टेड है। अपन 10 लोग कैसे सोएंगे, सबसे बड़ी चीज तो ये बता, सबसे बड़ी चीज है 10 लोग कैसे सोएंगे, बेड पे मुश्किल से दो जने आ सकते हैं। अबे दो उधर चार, हद मार के नीचे सो के 6 लोग, दस जनों के हिसाब से तो छोटा है, दो जने सोफा पे मान ले, एक इस पे सो जाएगा सूरज। हाँ उसको तो इस बक्से में बंद कर देंगे। हाँ वो तो इसमें भी आ जाएगा, ब्लॉक रखा है भाई, सामान रखा है तो, यानी ये देखो एकदम नेचुरल चीजें रखी हुई एकदम, ये देखो ये हैंडमेड है, ये देखो भाई और ओहो तलवारें लगी पड़ी हो भाई, मच्छू 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 भाई, देखो तुम भाई ये पंखा है, ये पंखा है भाई खतरनाक। इंटीरियर नो डाउट बहुत अच्छा है, बट देखो के सामने में तो भाई इससे हम चिल करना चाहते हैं, मजे करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे तो नहीं लग रहा है। और 10 जनों के हिसाब से तो मुझे छोटा लग रहा है। इन लोगों का डिसीजन जो भी होगा, ये लोग जो करना चाहे भाई कर सकते हैं, मैंने मेरा फाइनल डिसीजन दे दिया, मजे करने के लिए जो जगह वो नहीं है, ये सिर्फ लग्जीरियस है कि आप शूट वूट करा लो और वो सब कर लो उसके लिए। चलते दूसरा वाला देख के आते हैं, दूसरा देख के आते हैं, ये वाला बुक कराना पड़ जाए। ये वाला तो डन ही है, उन्होंने बोल रखा है बस आपको हाँ है तो फिर डन हो जाएगा, नहीं तो फिर दोनों ही डन है, बस दोनों को हाँ बोलना है। मैं किसी बार बस दोनों विजिट इसलिए कर रहे हैं कि सामने से पता चले, जैसे अभी देखो हमको फोटोज में लग रहा था ये बड़ा होगा, और उन्होंने स्विमिंग पूल बोला भी कि ना आपके इतना तो आ जाएगा, और मेरे को देख के लग रहा है कि मेरे कमर तक भी नहीं आएगा वो, और ये तो सेकंड वाला विजिट करते हैं चलो, है ना। सेकंड वाला उन्हीं का है जिनका फ्रेंड्स फार्म था। हाँ दूसरा वाला उन्हीं का है जिनका फ्रेंड्स फार्म था, मंजीत भी आ गई तो उस पे जाके देखते हैं, वरना मैंने सूरज को बोला सूरज कुछ नहीं होना लास्ट में वहीं चल लेंगे फ्रेंड्स फार्म, फ्रेंड्स फार्म चल लेंगे, वो बढ़िया था तो भाई दिल आ गया था उसपे, तो वो तो परफेक्ट फार्म हाउस है मान ले। When you want to get off the darkest ground. तो ये वाला फार्म हाउस है हमारे मंजीत भी आएगा, उनका देख के आते हम, ये वाला तब भी ठीक है ना, क्योंकि गार्डन एरिया भी ठीक है, बैठने वाला भी एरिया ठीक है, और इधर से ही अपना एंट्री जो है अभी ये एक्चुअली इस फार्म हाउस में, हाँ इस फार्म हाउस में जो भी चीज़ है ना वो इसके अंदर है,
और बाहर से भी इतना एरिया घूमने के लिए, घूमने के लिए, और जैसे आप इसमें क्रिकेट विकेट खेलो, गेम वेम खेलो, उसके लिए भी है, और अंदर चीज़ है इसके अंदर जो स्विमिंग पूल देखना है मेन अब वो कितना। तो ये फार्म हाउस है कुछ, ओ भाई लग्जरी तो ये भी है भाई, वो देख, ओ भाई, और ये देख, और इसके साथ हाँ ये देखो तुम तो साफ हो जाएगा अलग पानी कर रहा है। ओ भाई दिस इज नाइस, ये एरिया ये बहुत अच्छा है, ये पूरा एरिया चिलिंग वाला एरिया, पूरा ये पूरा चिलिंग का एरिया, ये देखो एक पैर पे एक पैर, और यहाँ इधर है ये सोफा है, स्पीकर है, किचन इधर है ही, यानी जिसको स्विमिंग पूल में कूदना वो कूदो, जिसको नहीं कूदना वो यहाँ से देखते रहो। यहाँ से पिक्चर चला लूंगा बस, तुम देखना ये देख लैंप इधर, इस पे चंडी सुखा देंगे। देखो ये रूम वूम भी है थोड़ा सा, और बाथरूम है ऊपर वाले, और ऊपर दो रूम ऊपर है ना, दो रूम ऊपर एक इधर, तीन रूम, तीन रूम है, स्विमिंग पूल है, हॉल है, और एक गार्डन एरिया है। अभी है ना कंफ्यूजन हो चुकी है क्योंकि पसंद भाई दोनों ही है, लेकिन के और एक मजे के एक मजा मेरे को यहाँ दिख रहा है और लग्जरी मेरे को वहाँ दिख रही है, वो बहुत सुंदर है वो तो भाई, चीजें ऐसी ऐसी मैंने देखी नहीं लाइफ में, ऐसे ऐसी भाई टेढ़े पंखे, भाई दो टेढ़े पंखे कभी नहीं देखे एक साथ लटके, पंखे गन्स पता नहीं क्या तलवारें लगा रखी उन्होंने तो यार, शूट के हिसाब से बहुत अच्छा है। हाँ तो ये पूरा फार्म हाउस है हमारे पीछे, तो आपको कैसा लगा ये बता, दोनों आपने देखे हैं। हाँ। आप जल्दी से हमें कमेंट करके बता दो कि दोनों में से बढ़िया कौन सा लगा। भाई जो हमने सेकंड वाला फार्म देखा था ना मंजीत भैया वाला, वही फार्म हमने बुक करा है क्योंकि चिल वहीं पे हो पाएगा, मज़ा वहीं आएगा, दूसरे वाले पे इतना ज़्यादा मज़ा आ नहीं पाएगा, सिर्फ वो लग्जीरियस है, इसलिए हमने उसको ड्रॉप कर दिया अभी के लिए। तो उसी फार्म पे जाएंगे जो आपने इंडोर वाला पूल वाला जो फार्म देखा उस पे ही, तो सैटरडे को जाएंगे, सैटरडे संडे मंडे तीन दिन फुल मज़े करके आएंगे, भयंकर वाले मज़े करके आएंगे, तो जाना है। अब उससे पहले आज और कल का दिन है, दो दिन है, अभी एक दिन मैं सोच रहा हूँ किशनगढ़ या डंपिंग यार्ड जाके आ जाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया मेरे को, वो रील एक ट्रेंड में आ रखी है, तो उस वजह से भेजे जा रहे कि भैया यार यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ, इसका ब्लॉग देखना इसका ब्लॉग देखना, तो एक बार वहाँ जाके भी आ जाएंगे, फिर उसके बाद फार्म हाउस जाएंगे और मज़े करेंगे। तो इस वीडियो को तो यहीं एंड करते हैं, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, वी आर वेरी क्लोज टू 150 के, फटाफट कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ, बाय।